नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग वीडियो में। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके थे कल ही और ये दूसरा दिन है हमारा। काफ़ी थक चुके हैं हम लोग, इसलिए स्टे किए हैं यहाँ पे। ये कौन सा जगह है? इंदरपुरी। अभी हम लोग कार पार्क करने आए थे यहाँ पे और भैया स्टे कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अभी चलते हैं उनके पास, मिलते हैं उनसे। निकलिए, लॉक कीजिए गाड़ी को। ये रही हमारी आलका, काफी अच्छे से खातिरदारी हो रही है। हाँ ना, सही बात है ना? सही बात है। देखिए, मतलब कैप लगाना ही पड़ेगा, इतनी ज़्यादा ठंड है। गाड़ी सही नहीं हो रहा है, और ज़्यादा यहाँ पे शोर करना भी सही नहीं है और चलना भी, दौड़ना भागना भी नहीं। हम लोग यहीं पे, यही जगह है ना? आइए लॉक कर दीजिएगा इसको, ठीक है? देखिए, और ये रहे गोपाल गंज वाले, हम लोग अपना वीडियो देख रहे हैं टीवी में। देखो, देखिए जैसे काफी सारे लोग, संख्या जैसे ये संख्या देख के लग रहा है कि यहाँ पे काफी सारी कम्युनिटी से लोग आने वाले हैं। आपको बताया, हमारी कंपनी में जो क्लाइंट आ रहे हैं, जो रेशियो है वो 60-40 का रेशियो है। हमारे हिंदू भाई 60% यहाँ पे नमस्कार आप सभी को। आज दिल्ली में हम लोग का दूसरा दिन है और तीसरा दिन है नई वीडियो। अब भैया के हम लोग रुके हुए हैं। नमस्कार। जैसे हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं ना, वैसे भैया साउथ में, जैसे हम लोग का बिहार में, हम लोग ने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की मुहिम चला रखी है हम लोगों ने, उस तरह का भैया ने साउथ में। साउथ में कहाँ कहाँ आपने रोजगार दे रखा है अभी तक? साउथ में कोई ऐसा स्टेट, मतलब कोई ऐसा प्लेस नहीं होगा जहाँ पे मेरी मशीनें ना गई हों। भैया के बारे में अदर वीडियो में, मेरे ब्लॉग चैनल पे मैं दिखाऊंगा आपको पूरा डिटेल। अभी हम लोग इनके घर पे रुके हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। और भैया मेरे सब्सक्राइबर पहले रहे, उसके बाद से हम लोग की मुलाकात हुई। अभी काफी अभी फैमिली के बिजनेस पार्टनर हैं दिल्ली के। बिजनेस पार्टनर ही, कोई भी बिजनेस करने से पहले, हाँ ब्रदर है। कोई भी बिजनेस करने से पहले भैया मेरे ब्रदर है, मेरे एल्डर ब्रदर है। अभी हम लोग भी डिसाइड कर रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट पे जमीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। एयरपोर्ट वाला जो वीडियो आपने देखा, हमने कल शूट किया था वो जेवर एयरपोर्ट वाला, वही हम लोग देख रहे थे। और हम लोग का भी प्लान है कि वहाँ पे एक साथ हम लोग प्लॉट लें वहाँ पे। तो कल कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं उनको हम लोगों ने बुलाया है और यहाँ पे डिटेल बुकिंग प्रक्रिया हम लोग यहीं पे करेंगे। बुक करके फिर हम लोग वहाँ पे बाद में जब जमीन का रेट हाई होगा तो फिर बेचा जाएगा यहाँ वहाँ। बिल्कुल। और हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है इस जमीन से रिलेटेड, अगर किसी भाई को कोई भी सुझाव देना तो मेरे इस भैया के नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग इधर से होंगे ना, वो सुझाव दें हम लोगों को, हम लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और काफ़ी हम लोगों ने जाँच पर रख ली, लेकिन फिर भी कोई लोकल होंगे वो हमें गाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा हम लोगों का। और ये अभी डिसीजन वही चल रहा है, अभी वीडियो हम लोग पूरा देख रहे हैं। भैया के बारे में पूरा डिटेल हम लोग वीडियो बनाएंगे। बिजनेस पार्टनर अलग की बात है, सब्सक्राइबर होना एक अलग की बात है, लेकिन हम लोगों का एक फैमिली रिलेशन बन चुका है। हम लोग दिल्ली जब भी आते हैं तो भैया के यहाँ ही रुकते हैं यहीं पे। और हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग कहाँ पे हैं? लोकेशन बताइए एक बार। ये हमारा इंदरपुरी में पड़ता है जी, साउथ वेस्ट में। भैया कहाँ? हरियाणा साइड से, मन आप लोग का वो है ना ओरिजिन? मेरा बैकग्राउंड हरियाणा से है। हरियाणा से है? हाँ जी, लेकिन हम रहते हैं इंदरपुरी में है। और हम लोग बिहार से, लेकिन काफी हम लोग की थिंकिंग मैच करती है हम लोग। हम लोग के लिए मतलब दिल्ली के अंबानी हैं। अरे एक घर ऐसा नहीं है, ऐसा 5-6 घर है। अभी इनके, इनका गांव भी बगल में है, गांव भी हम लोग गए थे, अभी घर उनका घूम के आए हैं। तो हम लोग के लिए इनका गांव दिल्ली में ही है, गांव अब पूरा शहर हो चुका है। मैंने हम लोग गए थे गांव घूमने, लेकिन भैया ने कहा कि हम गांव घुमाएंगे अपना, लेकिन गांव जो था वो शहर से कम नहीं था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो
भैया से पूरा डिटेल हम लोग अगले बिजनेस के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग अपने ब्लॉग चैनल पे दिखाएंगे, अभिषेक गोस्वामी ब्लॉग्स पे। फिलहाल ये ब्लॉग हम लोग का ट्रेवल ब्लॉग है और काफ़ी बढ़िया घर बनाया हुआ है भैया ने, आप देख सकते हैं ये पूरा डिजाइन। ये खुद डिजाइन करवाया अभी आपने? ये मैंने खुद डिजाइन करवाया, ये मेरा इसका बिल्डर का भी काम है। तो ये मैंने खुद डिजाइन किया है फ्लोर। ये रूम जो मैंने बनाया है ये मेरी बिटिया है नेहा, उसके लिए है। यहाँ पे वो बैठ के स्टडी करती है, बीबीए की तैयारी कर रही है। एक बिटिया है मेरे, दो रूम हम लोग को मिला हुआ है। एक बार थोड़ा सा उधर दिखाइए वो रूम हम लोग का, दो रूम हम लोग को मिला हुआ है भाई। ये सामान इधर फेंका हुआ है अभी। तो अभी जितने दिन हम लोग रहने वाले हैं यहाँ पे, यहीं पे भैया के साथ रहने वाले हैं, और भैया ने कहा कि भाई पूरा दिल्ली भी घुमाएंगे हम लोग। और ये भैया का अपना घर है। शिमला का भी प्लान ट्रिप हो रहा है, तैयारी हो रहा है कि हम लोग को जाना है, बर्फ शायद गिरा हुआ है। पहले ये जमीन का कल काम निपटाएंगे हम, और उसके बाद हम लोग हैं 3-4 रोज। बिल्कुल, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से निकलेंगे। तो फाइनली अगर कोई हमारे साइड से बिहार से कोई अगर मन बना रहे हो वहाँ प्लॉट लेने का, तो हमारे साथ मिलके साथ में प्लॉट ले सकते हैं। और एक ही बॉर्डर रहेगा ना, एक साथ रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हम लोग फिलहाल ये वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि हम लोग अभी फाइनल प्लान कर रहे हैं वहाँ जमीन बुक करने का, और फिर हो सके कल हम लोग फाइनल डिसीजन करके टोकन मनी दे के और नेक्स्ट वीक में हम रजिस्ट्री करवाएंगे, प्लस जो बाउंड्री वॉल वगैरह है एज सून एज पॉसिबल वी विल डू इट। भैया का मेन प्रॉपर्टी का काम है और यहाँ के लोकल ज्यादा है, यहाँ से मतलब लोकल के बारे में इनको नॉलेज ज्यादा है कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो हम लोग पूरा वही डिसाइड कर रहे थे यहाँ पे वीडियो देख के। भैया ने कहा कि वहाँ ग्रोथ बढ़िया मिलेगा, फायदे वाली ये होगा ना सौदा। हमें मेन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, हमें घर नहीं, हम तो गोपालगंज वाले हैं और गोपालगंज में ही रहने वाले हैं, तो मेन इन्वेस्टमेंट करना है भाई, बैंक में रखने से बढ़िया है 2024 में जब वहाँ पे फाइनल जो फर्स्ट फ्लाइट होगा उसके बाद रेट कितना गुना जा सकता है अभी? कम से कम आप 200% मान के चलिए, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, अभी आपको शॉर्ट टर्म लगेगा कि भैया इन्वेस्ट नहीं हो, लेकिन ये एक FD मान के चलिए, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, 5 साल के लिए जमीन लेके भूल जाइए, और 5 साल के बाद इसका रिटर्न देखेंगे आप सोच भी नहीं सकते, अगर भगवान ने सब कुछ ठीक हुआ तो। तो फिलहाल भैया के बारे में डिटेल अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको अपने बिजनेस के बारे में, क्योंकि जैसा हम लोग बिहार में काम कर रहे हैं वैसे साउथ में इन्होंने काफी लोगों को रोजगार दिया है, काफी लोगों मुहिम चला रखा है एक तरह, और इनकी टीम भी साउथ की है। मैंने हमारा हम लोग का जैसे है ना कि साउथ में अगर हम लोग कोई अगर हमारे पास कॉल आता है तो हम लोग समझ नहीं पाते उनके लैंग्वेज को, इनके पास पूरा टीम है साउथ का जो पूरा हैंडल करते हैं, और साउथ में पूरा काम फैला रखा है इन्होंने। पूरा डिटेल बिजनेस की बात हम लोग ब्लॉग चैनल पे करेंगे। फिलहाल भैया के साथ हैं, आप थोड़ा सा दिल्ली घूमें और दिल्ली का आनंद लें। बाकी आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही हमारे सफ़र में हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड नाइट।